हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 325 पे दिया है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है, ओके? ये आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको है ना नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपने बेल बटन नहीं प्रेस किया तो फिर आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना है एंड इसको वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। नाउ यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 9, अर्चना लिमिटेड ने इश्यू किए 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स इश्यू किए 10 रुपए वाले ऑफ ₹10 ईच वाले एट ₹12 पेबल एस। तो 12 रुपया मतलब जो उसकी है ना फेस वैल्यू है शेयर की, आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है राइट, मार्केट वैल्यू मतलब इसकी जो है ना फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पर है ना 10 रुपया है वो फेस वैल्यू है शेयर की, जो कि 10,000 शेयर्स कंपनी अर्चना लिमिटेड है वो इश्यू कर रही है। लेकिन है ना कंपनी 12 रुपया डिमांड कर रही है, 10 रुपए के शेयर के लिए 12 रुपया डिमांड कर रही है, मतलब क्या प्रीमियम वाला केस हो गया राइट। तो इसका जो इंस्टॉलमेंट का बाइफर्केशन दिया हुआ कि ₹3 है ना एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी डिमांड कर रही है, अर्चना लिमिटेड डिमांड कर रही है, एंड 5 रुपया ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय पर 5 रुपया, तो विथ प्रीमियम। तो इसमें कितना प्रीमियम का इंक्लूडेड है वो भी हमको फाइंड आउट करना होगा। तो जो 10 रुपए का शेयर है वो 12 में बिक रहा है, मार्केट में इश्यू हो रहा है, तो मतलब 2 रुपए का प्रीमियम है। तो ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा है वो शेयर प्रीमियम में जाएगा, ये जो प्रीमियम का पैसा है वो शेयर प्रीमियम में जाने वाला है। इसीलिए यहाँ पे अलॉटमेंट के समय पर है ना हमको क्या प्रीमियम भी, उसका जो प्रीमियम का पैसा है वो प्रीमियम में दिखाना होगा, फिर बाद में प्रीमियम अकाउंट जो सेपरेट खुलेगा, एंड उसके बाद में इंस्टॉलमेंट के इंस्टॉलमेंट है नेक्स्ट, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का इंस्टॉलमेंट है 4 रुपए का। तो यहाँ पर ये जो तीनों भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इनकी दो 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 एंट्री आने वाली है। जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि एप्लीकेशन के समय में क्या होता है कि पहले पैसा आ जाता है बैंक में, तो वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं, और फिर है ना हम शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो हम है ना ट्रांसफर करते हैं किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर की एंट्री हो गई, एंड उसके बाद में जो है ना अलॉटमेंट के समय पर है ना ड्यू की एंट्री आती है। तो अलॉटमेंट के समय पर हमको ड्यू की एंट्री बतानी होती है, तो शेयर अलॉटमेंट की जो ड्यू की एंट्री होगी उसी वक्त है ना ड्यू के समय पर ही है ना हमको प्रीमियम की है ना शेयर प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सेपरेट दिखाना होगा, सेपरेट अकाउंट में दिखाना होगा, एंड अलॉटमेंट का सेपरेट जो शेयर कैपिटल में हम दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमको एंट्री को करना होगा। फिर बाद में यहाँ पर जो दिया है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो उसमें पहले ड्यू की एंट्री और फिर उसमें है ना जो पैसा रिसीव हुआ उसकी एंट्री। तो यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि भाई कितने एप्लीकेशंस रिसीव हुए, क्या केस है। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली, खाली 8,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुए। मतलब कंपनी ने 10,000 इश्यू किए, कंपनी तैयार है 10,000 देने के लिए, लेकिन लोग लेने के लिए तैयार नहीं है, डिमांड खाली 8,000 की आई, 8,000 एप्लीकेशन से रिसीव हुए। तो सारा का सारा जो अमाउंट का कैलकुलेशन होगा वो 8,000 शेयर्स के हिसाब से होने वाला है। यहाँ पर प्रीमियम का भी 8,000 के हिसाब से होने वाला है। तो यहाँ पर केतन और होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, अभी ये जो केतन नाम का जो शेयर होल्डर है वो 400 शेयर्स जिसने खरीदे, मतलब उसकी होल्डिंग, उसने 400 शेयर डिमांड किए, तो उसने फुल पेमेंट कर दिया एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के समय पर उसने पूरा पेमेंट कर दिया। तो अलॉटमेंट के समय पर उसने जो भी पूरा पेमेंट किया, मतलब उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट कर दिया, तो मतलब उसने एडवांस में पे किया है राइट, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो कंपनी डिमांड नहीं कर रही, उसके पहले ही अलॉटमेंट के समय पे उसने पे कर दिया। तो वो कॉल इन एडवांस की एंट्री हमको है ना जब भी हम बैंक में पैसा अलॉटमेंट का पैसा आया करके रिसीव हुआ है करके दिखाएंगे, तो उसी समय पर हमको कॉल इन एडवांस का भी हमको दिखाना होगा, अकाउंट ओपन करना होगा। तो ये जरा आपको ट्रांजेक्शन नया हो गया। एंड फिर क्या है, ये जो कॉल इन एडवांस का है ना, आपको जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव की एंट्री होगी तो उस समय पर इसको हमको एडजस्ट करना होगा कॉल इन एडवांस का। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स मैं आप लोगों को डीपली है ना बताने वाली हूँ कि जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं हमें इन द बुक्स ऑफ अर्चना लिमिटेड, तो वन बाई वन सारे मैं डीपली आपको एक्सप्लेन करने वाली, तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझो, बातों को समझो, और फिर है ना आपको कभी डिफिकल्टी
क्लैरिटी नहीं आएगी इस चैप्टर में। और ये चैप्टर आप है ना वैसे देखो तो ऑप्शन में भी नहीं छोड़ सकते एक तरीके से, क्योंकि इसकी ऑप्शन में आपको आपको जो चैप्टर नंबर 10 है जो की जो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग वाला, तो उस पे ज्यादा करके थियरी बेस्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो अब थियरी में तो आप उतना स्कोर नहीं कर पाते हो, अगर जो आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आपको प्रैक्टिकल वाला चैप्टर छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, तो 8 मार्क्स में आपको है ना पूरे के पूरे ग्रैप करने, तो आपको ये चैप्टर को अच्छे से करना है। तो यहाँ पर और वैसे भी फ्यूचर में भी आपको यूज में आने वाला चैप्टर है, ऐसा नहीं है, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग में यूज में है, उसको भी ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, एक बार गो थ्रू जरूर करना है। यहाँ पे ना कॉल इन एडवांस का जो कॉन्सेप्ट आया है, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको एक बार हम समझ लेते हैं। छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन इसका समझ लेते हैं कि कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब एडवांस में, एडवांस शब्द से आपको पता चल गया कि भाई पैसा एडवांस में रिसीव हो गया, तो कंपनी में रिसीव कॉल इन एडवांस, एडवांस में है ना कॉल करने के पहले, मतलब एडवांस में पैसा कंपनी को रिसीव हो गया, तो कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री के पहले ही पैसा रिसीव हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो जो अमाउंट है पेड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जो अमाउंट पे करते हैं कंपनी को, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी बिफोर द पर्टिकुलर कॉल, बिफोर पर्टिकुलर कॉल मतलब या तो है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पहले ही रिसीव हो जाएगा, फर्स्ट कॉल के पहले, फाइनल कॉल के पहले, तो इज मेड एज अ कॉल इन एडवांस, उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं हम। सो इट इज द लायबिलिटी, तो ये कंपनी के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गई, क्योंकि एडवांस में रिसीव हो गया, जब एडवांस रिसीव हो जाता है प्री रिसीव होता है तो हम उसको लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, राइट। तो इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड शुड बी ट्रांसफर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, उसको कॉल इन एडवांस अकाउंट में हमको ट्रांसफर करना होता है एंड फिर उसको बाद में हमें ना एडजस्ट करना होता है। इट इज एडजस्टेड विद द रेस्पेक्टिव कॉल मेड इन फ्यूचर, जब फ्यूचर में वो कॉल किया जाता है, पैसा मांगा जाता है, उस वक्त उसके मनी रिसीव होती है, उस समय हमको ये जो एडवांस में रिसीव हुआ पैसा है वो एडजस्ट करना पड़ता है, और जब तक एडजस्ट नहीं करते तब तक इट इज इसको हम है ना लायबिलिटीज के अंडर में बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के अंडर में हम दिखाते हैं। तो अभी इसका जो है फॉर्मेट मैंने रेडी रखा है, तो वन बाय वन में हमें किस तरीके से है ना जो जर्नल एंट्रीज में फ्रेम करनी है तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट में हम इसका बायफर्केशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में मतलब किस तरीके से इंस्टॉलमेंट में डिमांड किया है कंपनी ने पैसा, तो यहाँ पर अर्चना लिमिटेड ने तो इशूड है, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स जो है इशूड, ये भी हमको देखना होगा, इशूड नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 एंड कंपनी को कितने एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए, तो जितने एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं उस पर पहले हमको लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो एप्लीकेशंस रिसीव्ड ऑन 8,000 शेयर्स, तो यहाँ पर है ना 2,000 से अंडर सब्सक्राइब्ड है, 2,000 से ये अंडर सब्सक्राइब मतलब 2,000 शेयर्स के लिए कोई भी डिमांड नहीं आई, अंडर सब्सक्राइब्ड ये आपके नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नो डिमांड आप समझ सकते हो इसको कि भाई नो डिमांड। तो अब जो हम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को हम कंसिडर करने वाले, हम 8,000 को हम कंसिडर करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जो कंसिडर करेंगे 8,000 के हिसाब से ही मतलब हमारी सारी कैलकुलेशन होने वाली है। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एप्लीकेशंस रिसीव्ड होती है आपको याद रखना है, उसी के ऊपर है ना हमें कैलकुलेशन अमाउंट के सारे करने होते हैं। अभी यहाँ पर जो शेयर की जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू वो है ₹10, लेकिन जो मार्केट वैल्यू वो है इसकी ₹12, तो मतलब यहाँ पर प्रीमियम पर इश्यू हुआ है ₹2 का प्रीमियम, तो ये भी एक है ना बात समझने वाली बात है। तो यहाँ पर ₹12 के हिसाब से मतलब यहाँ पर है ना जो हमारा अमाउंट का कैलकुलेशन हम जब हमेशा करते हैं तो ₹12 के हिसाब से, तो ₹12 के हिसाब से अब बाइफरकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाइफरकेशन में यहाँ पर एप्लीकेशंस रिसीव्ड वगैरह कब कब कितना कितना पैसा डिमांड हो रहा है तो इसका मैं आप लोगों को कैलकुलेशन दिखा दूंगी। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के समय पर मतलब कितना कंपनी ने डिमांड किया है तो ₹3, तो मल्टीप्लाई बाय हम 8,000 करेंगे
इसको मल्टीप्लाई बाय 8000 हमको करना होगा, रुपीज 3 को मल्टीप्लाई बाय 8000 करेंगे तो 24000 की एंट्री आने वाली है। तो 24000 की है ना दो एंट्री बनेगी, एक तो बनेगी बैंक में जो पैसा रिसीव होगा, रिसिप्ट वाली बैंक में रिसीव होगा मनी, तो बैंक की एंट्री, एंड दूसरी ट्रांसफर की एंट्री, ट्रांसफर की एंट्री 24000 रुपये को लेके ही बनने वाली है एंट्री हमारी। फिर सेकेंड थिंग जो है वो है अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के समय पर यहाँ हम देखेंगे कि बोला है अलॉटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि भाई आपको अलॉटमेंट मनी के साथ में है ना प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, विथ प्रीमियम बोला है रुपीज, यहाँ पर अलॉटमेंट का 5 बोला, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट मांगा, ऑन एप्लीकेशन 3 रुपीज, ऑन अलॉटमेंट 5, लेकिन इस 5 में ना प्रीमियम इंक्लूडेड है, प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। तो जब इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट के समय पर जो अमाउंट की जो एंट्री यहां पर बनेगी मल्टीप्लाई बाय, तो 8000 होना है यहां पर, 8000 से तो मल्टीप्लाई करना है, तो 40000 की जो एंट्री है वो शेयर अलॉटमेंट की होगी। लेकिन इसमें से जब है ना ये पहली जो बैंक में जो ड्यू की एंट्री, हमको अब ड्यू की एंट्री पहले दिखाते हैं हम, यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी वो ड्यू की एंट्री होगी। तो ड्यू की एंट्री में हमें क्या करना होगा, हमको जो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में जो जाएगा पैसा, शेयर कैपिटल का जो मनी होगा वो होगा 3 रुपीज के हिसाब से, क्योंकि 3 प्रीमियम कितना है, 2 रुपए का प्रीमियम, यहाँ पे हमने देखा कि भाई 2 रुपए का प्रीमियम, तो 3 रुपीज के हिसाब से 8 3 24, तो 24000 का जो है वो अमाउंट का शेयर कैपिटल के में जाएगा, और 16000 का जो है शेयर प्रीमियम में 16000 की एंट्री जाने वाली है। तो इस तरीके से इसका हमको जो बाइफर्केशन है वो करना है। एंड फिर इसके बाद में एक और चीज है यहाँ पर, ये तो हुआ भाई कॉल ड्यू की एंट्री को लेकर। फिर इसमें अलॉटमेंट के समय पर ये भी बात हुई कि भाई अलॉटमेंट के समय पर एक शेयर होल्डर ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपको समझने के लिए कि अलॉटमेंट के समय पर, ये तो अलॉटमेंट का पहला हमारा एंट्री इसके लेकर बनेगा, दूसरी एंट्री में क्या बोला है कि जो 40000 तो आना ही अमाउंट, उसके साथ साथ जो केतन है 400 शेयर होल्डर वाला, तो यहां पर मैं लिख देती हूँ ये सेकेंड एंट्री के लिए कि जो केतन, केतन अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, 400 शेयर्स वाला मेड फुल पेमेंट, उसने फुल पेमेंट कर दिया, फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है 8000, उसमें से जो केतन की होल्डिंग है वो 400 शेयर्स की उसकी होल्डिंग है, तो 400 हमको माइनस करना है, तो 7600, राइट। तो 7600 पे हमको क्या करना है, 5 रुपीज, हमको 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5 रुपया रिसीव होगा, 7600 पर 5 रुपया रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पर 5 6 कितना होता है 30, 5 6 30, तो 0 एंड 5 कैरी ओवर 3 किया, 5 7 35 35 एंड 3 कितना होगा 38, तो 38000 पे, यहाँ पे थोड़ा सा अनटाइडी हो गया है तो बेटर में 38000, तो उस जो बाकी लोगों का 38000 रिसीव होगा, लेकिन केतन का कितना रिसीव होने वाला है, तो केतन का तो नंबर ऑफ शेयर्स की होल्डिंग है 400 और वो है ना एडवांस पेमेंट कर रहा है, केतन इज पेइंग एडवांस, सो केतन का जो अमाउंट है, केतन होल्डिंग उस पे कितना हमको रिसीव होने वाला है, तो यहाँ पर 400 मल्टीप्लाई बाय ये 5 रुपया प्लस है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लिख लेते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना कंपनी ने डिमांड किया है, तो 4 रुपीज, तो रुपीज 4 की डिमांड हुई है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 8000, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 8000 होगा, तो 8 4 32, तो 32000 की एक ड्यू की एंट्री आएगी, ड्यू वाली एंट्री 32000 सॉरी ड्यू की एंट्री, एंड सेकेंड एंट्री में एडवांस भी इंक्लूडेड रहेगा। तो ये दोनों का, इस जो 400 रुपये 400 शेयर का इम्पैक्ट इन दोनों भी एंट्री पे पड़ने वाला है। तो यहाँ पर केतन की होल्डिंग है 400 शेयर्स की, राइट,
तो केतन से कितना रिसीव हुआ, मतलब 5 रुपया तो हुआ अलॉटमेंट का और 4 रुपया हुआ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 5 + 4 कितना होता है 9, तो 9 रुपीज, तो 9 रुपीज यहाँ पर 9 रुपीज ब्रैकेट में मैं लिख देती हूँ, ₹5 + ₹4 क्योंकि फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी रिसीव हो गया राइट। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 9 4 कितना होगा, 9 यहाँ पर 9 4 होगा 36,00 लिखेंगे एंड 3 एंड 6, तो 3,600 + 38,000 ये जो है ना अलॉटमेंट के टाइम पे मनी रिसीव होने वाला है टोटल मनी। तो 0,06,8 + 3 कितना होगा 11, कैरी ओवर 1 किया 1 + 3 कितना होगा 4, तो 41,600। तो यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री बैंक में जो पैसा आएगा वो 41,600 बैंक में पैसे वाली एंट्री आने वाली है। अब यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में क्या होगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में पैसा 32,000 नहीं आएगा, एडवांस में रिसीव हुआ है इसलिए 32,000 माइनस यहाँ पर है ना एक्स्ट्रा कितना उसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना एक्स्ट्रा है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एडवांस में रिसीव हुआ है, तो एडवांस रिसीव है यहाँ पर हम लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फॉर फर्स्ट, ये चीजें समझने वाली, एंड फाइनल कॉल थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा रहेगा लेकिन आप खुद करने बैठोगे ना, फाइनल कॉल का जो एडवांस रिसीव्ड हुआ है तो 400 पर मल्टीप्लाई बाय आप 4 करोगे, 400 पर मल्टीप्लाई बाय आप 4 करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो 1,600 का आएगा, तो 1,600 का एडवांस रिसीव है, तो इसको हमको एडवांस करके भी ये एंट्री आने वाली है। तो यहाँ पर बैंक में पैसा आया और एडवांस का भी एडजस्टमेंट हमको दिखाना होगा, तो ये 1,600 यहाँ से बैंक के बैलेंस से माइनस होने वाला है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 1,600 कम रिसीव होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों को जो एंट्रीज है वो बनानी है, तो कैलकुलेशन पार्ट्स तो आपको पता होने चाहिए, समझनी चाहिए, तभी आप है ना एंट्रीज इजीली कर सकोगे। जर्नल एंट्रीज में फिर आपको जर्नल एंट्रीज तो अभी प्रैक्टिस करते करते बाय हार्ट हो जाएगी, लेकिन उसके अमाउंट कैलकुलेशन भी पता होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट, यहाँ पे डेट नहीं है तो हम फर्स्ट, तो सबसे पहली जो एंट्री आएगी आएगी वो एप्लीकेशन को लेकर होगी, तो एप्लीकेशन के समय पर हमें बैंक में पैसा पहले आ जाता है, तो क्योंकि एप्लीकेशन के साथ मनी रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिखते जाती हूँ 8,000 × 3 रुपीज एप्लीकेशन का, तो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 24,000 की एंट्री, अर्चना लिमिटेड के पास 24,000 आ गया भाई बैंक खाते में, उसके बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर शेयर, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड एंट्री होगी कि भी इसको हमें ना शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, या सेपरेट अकाउंट ओपन किया करना पड़ता है ना, तो इसको क्लोज कर ये पैसा कहाँ चला जाएगा, अर्चना लिमिटेड के शेयर कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल रेस करने के लिए ही करते हैं ना ये फंड, फंड रेस करने के लिए ही करते हैं कंपनीज, तो यहाँ पर शेयर, इसलिए यहाँ पर ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में दिख रहा है तो हम इसको डेबिट में कर देंगे क्योंकि इसको हमको क्लोज करना है, इसलिए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 24,000 बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना होगा। नाउ थर्ड एंट्री,
जो आएगी वो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री, तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री तो 40,000 की ही आने वाली है, और उसमें प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है, ये भी हमको ध्यान रखना है, उसमें प्रीमियम का भी इंक्लूडेड है, क्वेश्चन में बोला है। तो ड्यू की एंट्री में हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर 8,000 शेयर्स पर 5 रुपया रिसीव हो रहा है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो कितना होगा, 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, तो अलॉटमेंट का एक्चुअल कितना अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में जाएगा, तो अलॉटमेंट का एक्चुअल में, क्योंकि 5 रुपये में 2 रुपया तो इसका है प्रीमियम का, इसलिए 3, 8 3 24, तो 24,000 एंड टू प्रीमियम का पैसा शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है, तो शेयर प्रीमियम अकाउंट 8,000 शेयर्स पर प्रीमियम रिसीव होगा मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज, कंपनी डिमांड कर रही है भाई आप अलॉटमेंट के समय पर ही दे दो हमको प्रीमियम का, सबसे मांग लिया, तो इस तरीके से 16,000 का प्रीमियम में चला जाएगा। नरेशन में लिखेंगे हम बिंग अलॉटमेंट मनी मनी रिसीव्ड ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, सॉरी यहाँ पे रिसीव नहीं लिखना है, ड्यू लिखना है, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन, अभी तो रिसीव नहीं हुआ है ना, रिसीव के टाइम पे रिसीव्ड का एंट्री आता है, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 8,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर, ये पैसा ड्यू है अभी। फोर्थ एंट्री आएगी कि भाई पैसा रिसीव हो गया, तो अब पैसा रिसीव में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिसीव्ड मनी जो है वो है ना 41,600 की, क्योंकि इसमें से क्या है 40,000 है वो तो जो अलॉटमेंट का पैसा है वो है, और 1,600 क्योंकि 40,000 तो ये अलॉटमेंट का 40,000 हुआ एंड 1,600 है ये एडवांस है, ये क्या है एडवांस है, तो ये एडवांस वाले की एंट्री हमको अलग से इधर दिखाना पड़ेगा ना बायफर्केशन, तो हम कैसे दिखाएंगे, तो बैंक में तो 41,600 आने वाला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि केतन ने एडवांस में, मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया कि किस तरीके से केतन ने एडवांस का पेमेंट कर दिया, मतलब उसने 9 रुपया पे कर दिया, 5 रुपये के बदले 9 रुपया पे किया है, तो हमको वो दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 8,000 मल्टीप्लाई बाय हम 5 करेंगे तो 40,000 का शेयर अलॉटमेंट का, एंड जो एडवांस का है उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा टू कॉल्स इन एडवांस, उसके लिए हम लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस हुआ, तो यहां पर 400, 400 मल्टीप्लाई बाय कितना एडवांस रिसीव हुआ है, तो 4 रुपया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ही बचा था ना, तो वो 4 रुपया, तो 4, 4 16, तो इस तरीके से, वो तो मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाया लेकिन आप इस तरीके से ना आप अपने कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, मैंने डीपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया कि भी कैसे क्या होता है, तो 1,600 का कॉल्स इन एडवांस हो गया। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग, क्योंकि ये बाद में है ना, ये जो 1,600 वो जब है ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होगा तो वहां पर है ना ये कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे ये क्रेडिट है वहां पर हम डेबिट करके इसको एंट्री दिखाने वाले हैं, और बाकी का बचा हुआ बैंक में फिर आएगा, डेबिट करना मतलब माइनस हो जाएगा, एक तरीके से एडजस्ट हो जाता है ना, को एडजस्ट, तो यहां पर बिंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5, यहां पर कितना 5 रुपीज, एट द रेट ऑफ रुपीज 5 पर शेयर रिसीव्ड रिसीव्ड अलोंग विथ
यहां पर लिखेंगे अलोंग विथ फर्स्ट एंड फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। तो इस तरीके से हम नरेशन लिख देंगे इसका। तो यहां पर ये जो टोटल बैंक में पैसा आया वो 41,600 हो गया। नाउ फिफ्थ जो एंट्री है वो कॉल ड्यू की होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर लिखा जाएगा शेयर, यहां पर हमको लिखना होगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हमने इक्विटी वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड है नहीं, इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 8,000 शेयर्स पर हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 32,000। तो 32,000 हमको पहले ड्यू की एंट्री दिखानी है। ये कैलकुलेशन मैं आपको दिखा चुकी हूँ इन डिटेल, यहां पर मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपको समझने वाली बात है कि किस तरीके से ये बाइफरकेशंस होते हैं, देख लेना है, समझ लेना है, जल्दी से एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है ताकि अमाउंट में कोई गड़बड़ी ना हो। नरेशन में लिखेंगे बिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये प्रोसीजर होता है, आप बोलेंगे कि मिस ये 400 पे जब रिसीव हो गया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ये है ना 8,000 का हम क्यों दिखा रहे हैं। अरे भाई इसको हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक तरीके से, इसीलिए 32,000 का ही हमको दिखाना होगा। हम ऐसे नहीं कि इसमें से माइनस 400 कर दो क्योंकि उसका तो एडवांस में पैसा रिसीव हो गया है, क्योंकि ये एक तरीके से ट्रांसफर की एंट्री हो गई कि शेयर कैपिटल में पैसा एडवांस में 32,000 दिखाना है ना भाई, 32 पूरा, इसीलिए पूरे अमाउंट की दिखाई, पूरे नंबर ऑफ शेयर्स की दिखाई है हमने ऑन 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4। क्योंकि ये कंफ्यूजन आप लोगों को अराइज नहीं होना चाहिए कि मिस फिर यहां पर है ना हमने 400 शेयर्स माइनस क्यों नहीं किए। वो इसलिए नहीं किए क्योंकि शेयर कैपिटल में 8,000 शेयर्स के पीछे 4 रुपया रिसीव होना है, उतना ट्रांसफर होना चाहिए, इसीलिए हमने 400 को माइनस नहीं किया। अब हम जो एडजस्टमेंट जो करेंगे, जो एडवांस में 1,600 का एडजस्टमेंट है वो है ना बैंक में पैसा आएगा उस वक्त, क्योंकि बैंक की एंट्री के साथ एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहां पर है ना जो आपका अमाउंट आएगा वो 8,000 माइनस आप 400 करोगे तो 7,600 मल्टीप्लाई बाय 4 के हिसाब से आपका अमाउंट यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो फिर यहां पर कॉल इन एडवांस को डेबिट कर देंगे ताकि कॉल इन एडवांस का जो अकाउंट ओपन किया है वो क्लोज हो जाए। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। तो एडवांस कितना, 400 पे 4 रुपया, तो 1,600 रुपया यहाँ पे एडवांस का जो है वो माइनस होने वाला है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मतलब 8,000 का, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज करना है हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसको यहाँ पे डेबिट में तो यहाँ पे क्रेडिट में होगा तभी वो क्लोज हो पाएगा ना मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 32,000 का यहाँ पर, तो आप है ना 32,000 माइनस 1,600 करके देखोगे तो भी आपको 30,400 आना है, 30,400 आना है, और अगर आप 7,600 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो भी 30,400 आना है। तो इस तरीके से आपको ये अमाउंट रिसीव होना है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी नरेशन में हम लिखेंगे बिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 7,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, क्योंकि यहाँ पे 7,600 पे पैसा अमाउंट रिसीव हुआ है, इसीलिए 7,600 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 4 पर शेयर। डबल बार पैसा थोड़ा ना देने वाला है,
केतन ने एक बार दे चुका है, उसको अगर कॉल जाएगा तो भी वो बोलेगा भाई मैंने तो पेमेंट कर दिया। मतलब एक जनरल मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, ये तो कंपनीज के अपने प्रोसीजर होते हैं अकाउंट्स को क्लोज करने के, तो रिसीव्ड एंड, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, ये ट्रांसफर की एंट्री होती है एक तरीके से ड्यू वाली, मतलब ट्रांसफर की, तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर का तो 32,000 का ही हमको दिखाना होगा, इसीलिए इसी तरीके से एंट्री बनेगी, रिसीव्ड एंड ऑन 400 शेयर्स एडजस्टेड, तो 400 शेयर्स पे एडजस्टमेंट कर दिया, 400 शेयर्स एडजस्टेड, जो जो मनी है वो एडजस्टेड हो गई। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली है इसका, तो आप लोगों के पास है ना टेक्स्ट बुक में भी है सोल्यूशन तो, लेकिन आपको वर्किंग नोट की अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी है कि किस तरीके से आपको स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए ताकि डिफिकल्टीज नहीं आए, पूरे के पूरे 8 मार्क्स आप है ना ग्रैप कर सको आपके हो सके, तो उसके लिए आप है ना प्रैक्टिस में इस तरीके से करने के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वर्किंग नोट की। एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, सबको हेल्प होने दो। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, आपको इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, इसके लिए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।